यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयि वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामत्रा। यह मंदिर 127 साल पुराना है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी दिखाया भी है मंदिर के अंदर सुबह 4:30 से लेकर मंदिर के पट खुले हैं और संगत के लिए पट खोले गए थे ताकि वो दर्शन कर सकें, नियम से अपने जो व्रत रखते हैं उसका पालन कर सकें। सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई थी कि मंदिर में सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा, मास्क पहना जाएगा, उसको पूरी तरह से शिवालय मंदिर की कमेटी की ओर से पालन कराया जा रहा है। आपने देखा है सैनिटाइजेशन यहाँ हो रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है और अभी अंदर श्रृंगार के लिए मंदिर में भक्त इकट्ठे हुए हैं। जो नित्य प्रति होता है उसी के दर्शन अभी आप कर रहे थे। ये गल करिए पंडित जी, एक अज तो शुरू होया सावन का महीना, श्रद्धालु किन्नी तादाद दे विच आ रहे हैगे ने, की हदायतां जिहड़ियां ओह हैगियां ने ते किन्ने वर्त जिहड़े आ ओह हैगे ने ते की इहदे मायने हैगे ने? जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन दिनों में लोग कम निकलते हैं घर से, पर हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग आज मंदिर में पधारे हैं। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों में मंदिरों में रश कम था, पर आज एक अच्छी मात्रा में सैकड़ों की तादाद में भगवान शंकर के भक्त पहुँचे हैं। क्योंकि आज पहला सोमवार श्रावण का है और इस साल 5 श्रावण सोमवार आ रहे हैं नियमित रूप से। वैसे रूटीन में ये 4 आते हैं, आज जैसे पहला दिन ही सावन का बनता है तो सावन का पहले दिन में ही सोमवार आया, इस कारण से 5 सोमवार अब भी आ रहे हैं। और संगत की बात करें तो आज अच्छी मात्रा में सैकड़ों की तादाद में भगवान के दर्शन कर लेके भक्त पहुँचे हैं। मानने क्या है, लोगों की आस्था क्या होती है इसमें? आस्था अगर बात करें, जो श्रावण महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, हम दो बात करते हैं, महाशिवरात्रि फागुन मास की और श्रावण मास, ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय हैं, जिस कारण से पूरे विश्व में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन 4-5 जो सोमवार के व्रत आते हैं इनका बहुत बड़ा मतलब है। कहते हैं कि मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ी एक इंसान के लिए उपलब्धि है वो भगवान के चरणों में आकर हमें मिलती है। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।